रोस्ट पिज़्ज़ा, रोस्ट की शेप में वो पिज़्ज़ा बनाऊंगी। आइए देखते हैं। लिया है, अब इसको मैं हाफ हाफ कट लगाऊंगी चारों तरफ से। एक कट ये लगाया, एक इसके सामने। ये पूरा नहीं कट करना है हमें, ये बीच का छोड़ना है। इस तरह से हमने ये चार कट लगाने हैं। पिज्जा सॉस मुझे पहले लगानी थी, मैं भूल गई। पिज्जा सॉस लगा लें। चिकन सेंटर में और उसके बाद चेडर एंड मोजरेला चीज, चेडर चीज और मोजरेला चीज रखूंगी इसके ऊपर। और थोड़ी सी कैप्सिकम, फोल्ड कर लेती हूँ। पहले एक साइड हम उठा के इस तरह रखेंगे, फिर इसके सामने वाली साइड उठा के इस तरह रखेंगे, फिर ये वाली और फिर ये वाली। ये देखिए रोज की शक्ल का ये बन गया है। ये हम इसको बेक कर लेते हैं, स्टार पिज्जा और रोज पिज्जा। इसको मैं 180 पे 10 मिनट के लिए बेक करूंगी। मैं एक और शेप बना रही हूँ फ्लावर का, आइए देखते हैं। इसको भी गोलाई में मैं बेल लूंगी, बड़ी रोटी सी बेल लूंगी। इसके बाद हम इसको कटर से कट करेंगे। रोटी बेल ली है, मेरे पास ये ऐसा कटर है, अब मैं इसे कट कर लूंगी। ट्रे ले ली है, अब इन जो कट किए हैं मैं इसको, इसमें मैंने ऑयलिंग कर ली है, इसके अंदर मैं रखती जाऊंगी। इतना ट्रे में रख लिया है, अब मैं इसमें पिज्जा सॉस लगाऊंगी सब में। मैंने ये ट्रे में रख दिया है, तकरीबन 7 मैंने बनाए हैं। इसको भी मैं बेक कर लूंगी 7 से 8 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। मेरा फ्लावर पिज्जा भी रेडी हो गया है दोनों।